हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के अटला कोटी में ग्लेशियर टूटने से कुछ श्रद्धालु फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 5 श्रद्धालुओं को सकुशल घांघरिया पहुंचाया गया। तो इस समय आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब की यात्रा भी जोरों शोरों पर है और हेमकुंड साहिब के पास ही ग्लेशियर टूटने से पूरी घटना हुई है, जहां पर एसडीआरएफ तुरंत मौके पर पहुंची, 5 श्रद्धालुओं को वहां से सकुशल बरामद कर लिया गया, रेस्क्यू उनका किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ा जो ग्लेशियर है वो टूटकर गिर पड़ा, जिस वजह से ये दुर्घटना यहाँ पर हुई है। लेकिन समय रहते एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू सभी श्रद्धालुओं का कर लिया गया। तो हेमकुंड में समय लगातार हेमकुंड साहिब की जो यात्रा है वो भारी बर्फबारी के चलते भी इस समय जोरों शोरों पर चल रही है और इस समय एक ग्लेशियर टूटने से घटना हुई है, जिसके बाद आपको बता दें कि 5 श्रद्धालु ग्लेशियर के टूटने से बर्फ के अंदर फंस गए, लेकिन एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, सभी का रेस्क्यू किया गया समय रहते। और फिलहाल हेमकुंड के पास से ग्लेशियर टूटने की जो घटना है वो सामने आई है। लगातार इस समय हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी हो रही है, कई फीट बर्फ जमा है। ऐसे में हिमखंड और किस तरीके से जो ग्लेशियर्स हैं उनके टूटने की घटना भी समय समय पर सामने आती है भारी बर्फबारी के चलते। और हेमकुंड साहिब में जोशीमठ में ये घटना ग्लेशियर के टूटने से हुई, जहां पर 5 श्रद्धालु इस दुर्घटना से आहत हुए हैं, लेकिन समय रहती है एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी को वहां से सकुशल निकाल लिया गया। तो जोशीमठ उत्तराखंड में इस समय आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब की यात्रा लगातार संचालित हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप भंडारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, फिलहाल क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से ग्लेशियर टूटने की ये घटना सामने आई है, मौके पर एसटीआरएफ पहुंची है, सभी श्रद्धालुओं को सकुशल बरामद कर लिया गया है, वहां से रेस्क्यू किया गया है उनका, लेकिन घटना किस तरीके से रही? जी विशाखा, मैं आपको बता दूं कि ये कल शाम 6 बजे की ये घटना है, हेमकुंड साहिब की ये घटना बताई जा रही है और जिसमें अटला कोटी के समीप एक ग्लेशियर हिमखंड टूट गया था, जिसमें 6 श्रद्धालु इस हिमखंड में दब गए थे, जिसमें से 5 श्रद्धालुओं को सकुशल एसडीआरएफ और गुरुद्वारा और अन्य जो आईटीबीपी के जवान है उनके द्वारा इनको सकुशल निकाल दिया गया था, जिसमें एक महिला मिसिंग चल रही थी कल से। और आज सुबह जैसे ही सुबह हुआ तो तुरंत एसडीआरएफ आईटीबीपी और पुलिस के जवानों के द्वारा वहां पर फिर से रेस्क्यू शुरू किया गया और यहां पर जो दबी हुई महिला थी उसको भी निकाल दिया गया और उसके शव को उनके पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। जी चलिए ठीक है प्रदीप, बिल्कुल, फिलहाल आपका धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।